हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट बैंक। तो आज का जो वीडियो फ्रेंड हमारा जो है क्लैम मीटर, और ये क्लैम मीटर को कहाँ से परचेज कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारा जो लिंक से, और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजन से जाकर परचेज कर लीजिएगा। और फ्रेंड इस क्लैम मीटर को अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट, और आपको दिखाते हैं क्लैम मीटर से मेन क्या काम आता है। और इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रिकल है या अपना घर के लिए भी लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, बहुत ही काम आने वाली आपके घर के लिए। अब मैं बताऊंगा इस चीज़ में क्या चीज़ का काम आएगा। जैसे कि आप फैन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, और कुछ नया नया चीज़ चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं या फ्रिज चला रहे हैं, तो आपको यहाँ पर चेक करना हमारा एसी, फ्रिज, पंखा कितना लोड ले रहा है, कब कितना ले रहा है और कितना ले रहा है। हर महीना आप चेक करेंगे तो आपको एक पता चल जाएगा कि एसी जो हमारा पंखा जो अगले मंथ में 0.44 का लोड ले रहा था और इस मंथ जो है 0.66 का हो गया। इसका मतलब है कि मेरे पंखे में प्रॉब्लम आ रही है, या बेयरिंग जाम हो रहा है, या लोड ज़्यादा पड़ रहा है जिसके कारण से यहाँ पे एम्पियर ज़्यादा हो रहा है और हमारा जो लोड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारा चीज़ को चेक करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है क्लैम मीटर। यहाँ पे हमारा जो पंखा चल रही है, सिस्टम चल रही है, लाइट जल रही है, और देखते हैं एम्पियर हमारा कितना बता रहा है। तो एम्पियर चेक करने के लिए सिंगल वायर को यहाँ पर लेना पड़ेगा लोड। तो यहाँ पर मुझे न्यूट्रल और फेज रहती है, तो ये हमारा फेज वाली वायर है। फेज वाली वायर को सिंगल वायर में इस तरह से क्लैम करना है और आपका जो यहाँ पे दिखेगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको सेटिंग करना होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे सेटिंग करते हैं। यहाँ से घुमा के एसी में 20 एम्पेयर का करंट में सेलेक्ट कर लेते हैं, और जितना एम्पेयर यहाँ पे लोड लेगा वो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे क्लैम मीटर में मुझे दिखाएगा फ्रेंड। तो ये मीटर का मेन जो काम है यही है। तो चलिए मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कितना हमारा जो है सिस्टम और पंखा कितना ले रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सिस्टम और पंखे दोनों मिला के हमारा जो लोड है 0.9 मतलब 1 एम्पेयर के आसपास हमारा लोड यहाँ पर ले रहा है फ्रेंड। तो इस क्लैम मीटर से आप अपना घर का लोड का पता कर सकते हैं, कितना एम्पेयर का लोड कब ले रही है, कितना कौन सा पंखा ले रही है और कौन सा ज़्यादा ले रहा है। तो इस चीज़ से आप पता कर सकते हैं हमारा जो बिल घर का जो बिजली बिल है वो कितना आ रहा है, और यहाँ से वाटेज भी पता कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन बहुत ही अलग होता है। तो कैलकुलेशन का मैं बात नहीं करूँगा, वो आप मल्टीमीटर या कुछ एप्लीकेशन से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में आज मैं नहीं बताऊंगा। तो एक एग्जैक्टली में बोला जाए फ्रेंड, इससे आप लोड पता कर सकते हैं और अपना अनुमान से यहाँ पे घर का जो है कितना बिजली खपत हो रहा है वो पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय, और फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। और इस क्लैम मीटर को लेना चाहते हैं तो अमेजन से ले सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही लो प्राइज में आपके लिए अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, लो प्राइस से लेकर हाई प्राइस तक का।